पिछली बार क्या चर्चा की थी, हालांकि समय काफी ज्यादा हो गया है गैप, लेकिन फिर भी कुछ अगर आपको स्मरण हो कि हमने क्या चर्चा की थी हरिनाम जप के ऊपर। तो हमने चर्चा की थी अनर्थ के ऊपर, नाम अपराध, कि जब हम जप करते हैं तो उसमें अलग अलग अपराध होते हैं, नाम के प्रति अपराध करते हैं, फिर नाम अपराध करते हैं तो फिर नाम अपराध होता है, तो फिर जब हम सेवा में जाते हैं, भक्तों के साथ सेवा करते हैं, उसमें अपराध होता है। और फिर उसमें हमने अलग अलग उदाहरण भी देखे थे। और फिर सेवा अपराध जब भक्तों के साथ करते हैं तो फिर उसमें भक्त अपराध होता है, भक्तों के साथ अनबन होती है सेवा में, उनके साथ मिलजुल के हम सेवा नहीं कर पाते हैं, तो उसका फिर मुख्य कारण ये था क्योंकि नाम सही से हम नहीं ले पा रहे, नाम जब अच्छे से नहीं कर पा रहे, वो कारण था। और फिर जब वही चीज़ हम जब बाहर किसी को प्रचार करते हैं या ऐसा करते हैं, तो फिर जीव अपराध, दूसरे जीवों के प्रति वो प्रकट होता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ हमने चर्चा की। फिर हमने ये भी चर्चा की थी हृदय दौर्बल्यम, अलग अलग की दूसरे की प्रगति पर ईर्ष्या करना, और फिर यश की इच्छा होना, ऐसे अलग अलग हृदय दौर्बल्यम था। फिर हमने चर्चा की थी असत्तृष्णा, अलग अलग प्रकार की इच्छाएं रखना जो कि कृष्ण भक्ति के अनुकूल नहीं है, और उसमें भी एक तो भक्त निंदा सबसे ज्यादा हमने उसके ऊपर चर्चा की थी, और दूसरा हमने चर्चा की थी कि नाम के बल पे पाप करना, नामनो बलादियस्य हि पाप बुद्धिर, उस जो श्लोक है उस पे चर्चा करी थी। तो उसी को अगर हम थोड़ा आगे जाएं तो ये सारी जो चर्चाएं हैं, तो जीव गोस्वामी, आज उनका तिरोभाव दिवस है, जीव गोस्वामी ने एक पुस्तक लिखी है भक्ति संदर्भ, तो भक्ति संदर्भ के अंदर जीव गोस्वामी ये सारे अलग अलग अपराध क्या हैं, अपराध क्यों होते हैं, उसका पूरा वर्णन कर रहे हैं। और हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में अनेक अनेक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उस भजन के ऊपर की अपराध, कृष्ण कीर्तन कैसे हो, उसके ऊपर अनेक अनेक पुस्तकें लिखी हैं। तो ऐसी अलग अलग पुस्तकें हैं, भजन रहस्य है, कृष्ण भजनामृत है, भक्ति तत्व विवेक है, ऐसे अनेक अनेक बहुत सारी पुस्तकें हैं, भक्तिविनोद ठाकुर ने हरिनाम चिंतामणि लिखी है। तो ये सारी जो पुस्तकें हैं इसमें वर्णन है कि कैसे एक जीवात्मा शुद्ध रूप से भगवान श्री कृष्ण का नाम ले सकता है। तो अभी हम वर्तमान में ज्यादातर जो हमारी त्रुटि होती है भक्ति में, वो इसी में होती है हरिनाम जप के प्रति। इसीलिए जो जो महान महान मुख्य आचार्य है उन्होंने जप के ऊपर बहुत अधिक बल दिया है, उसको कैसे सावधानी पूर्वक करना है, तो भक्तिविनोद ठाकुर ने तो पूरी पुस्तक ही लिखी है हरिनाम चिंतामणि, उसके अंदर वो सारा वर्णन करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जो कि जिन्होंने शिष्याष्टकम लिखा है, 8 श्लोकों की रचना की है, तो ये उसमें से जो मुख्य 4 श्लोक है, प्रथम 4 श्लोक, तो उस प्रथम 4 श्लोक में वो एक एक चीज को इंगित करता है कि पहला जो श्लोक है चेतो दर्पण मार्जनम, तो वो श्लोक इंगित करता है श्रद्धा को, कि जब हम हरिनाम जप करते हैं तो उससे हमारी श्रद्धा बढ़ती है। तो यानी कि चैतन्य महाप्रभु ने जो शिष्टाष्टकम दिया है उसके अंदर पूरा भक्ति का सार है। और फिर हम देखते हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर ने भजन लिखा है उदिल वरुण पूरब भागे, उसमें भी भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जीवेर कल्याण साधन काम जगत आसिये मधुरनम अविद्या तिमिर तपन रूपे रिद गगन विराजे। तो भक्तिविनोद ठाकुर उसमें कह रहे हैं कि जीवों के कल्याण के लिए ये हरिनाम वहां से भगवत धाम से प्रकट हुआ है। जीवेर कल्याण साधन काम जगत आसिये मधुर नाम, ये जगत में मधुर नाम प्रकट हुआ है। तो इसका क्या प्रयोजन है, तो फिर आगे वो बताते हैं, अविद्या तिमिर तपन रूपे, कि हमारे हृदय में जो अविद्या अज्ञानता है उसको नष्ट करती है, और फिर रिद गगन विराजे, और फिर ऐसे धीरे धीरे जब अविद्या नष्ट होती है तो फिर भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं। तो उसमें उदाहरण देते हैं जैसे कि जब कोहरा होता है तो जैसे ही सूर्य प्रकट होता है तो उसमें जितना भी कोहरा वो सब हट जाता है सूर्य के उदित होने से,
तो ऐसे ही कृष्ण नाम की तुलना सूर्य के साथ की गई है। और जैसे ही कृष्ण नाम शुद्ध रूप से हमारे हृदय में प्रकट होता है, तो ऐसे ही हमारे अंदर जो अज्ञानता, अनर्थ, दोष, वृत्ति, ये सब नष्ट होने लगती है। वो कब होती है? जब हम शुद्ध रूप से नाम लेते हैं। तो ऐसे अलग अलग लेवल है कि कौन से स्तर पे हम कौन सा जप कर रहे हैं। तो अभी वर्तमान समय में जो हम जप कर रहे हैं वो श्रद्धा के साथ जप कर रहे हैं। अभी हमारे अंदर निष्ठा, रुचि या भगवान के नाम के प्रति आसक्ति नहीं है, एक श्रद्धावश कि भगवान का नाम करना चाहिए, थोड़ी श्रद्धा है, इसीलिए आप कर पा रहे हैं। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक दिया है, चेतो दर्पणम अर्जुनम, तो आपके जीवन में ये देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि जब हम हरि नाम जप करते हैं या कृष्ण का नाम लेते हैं, तो उससे हमारा हृदय धीरे 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 साफ होता है और जितनी भी गंदगी वो धीरे धीरे नष्ट होती है। तो आप खुद इसका अवलोकन कर सकते हैं। जैसे हम जप कर रहे हैं तो जप करने से पहले हमारा जो जीवन था और अभी जो जीवन है उसमें बदलाव है। तो इसका अर्थ है कि आपको हरि नाम के प्रति श्रद्धा है। तो ये एक स्तर है जप करने का कि एक भक्त है जो श्रद्धा के साथ भगवान का नाम ले रहा है कि भगवान नाम लेने से मेरे जितने भी अनर्थ हैं, दुर्गुण हैं और हृदय में जो मलिनता है वो सारी नष्ट होगी। तो ऐसे तो हम बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि आप जप कीजिए, भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं ले पाते क्योंकि उनको श्रद्धा नहीं है, उनको ये विश्वास नहीं है कि भगवान का नाम लेने से ये कैसे हो जाएगा। तो इसीलिए हर कोई व्यक्ति भगवान का नाम नहीं ले सकता, जिसके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, वही व्यक्ति कृष्ण का नाम ले सकता है। तो जो जिस व्यक्ति को विश्वास ही नहीं है या श्रद्धा ही नहीं है कृष्ण नाम के अंदर, वो व्यक्ति कभी भी कृष्ण का नाम स्मरण या जप नहीं कर पाएगा। तो हम सभी जो यहाँ पे बैठे हैं, आप सभी लोग जो जप कर रहे हैं या जो भी व्यक्ति जप कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको हरि नाम के प्रति कुछ ना कुछ श्रद्धा है। अगर श्रद्धा नहीं है तो वो नहीं हो पाएगा। तो अभी हरि नाम जब हम करते हैं तो उसमें क्या सावधानी रखना चाहिए या कैसे जप करना चाहिए, तो वो भी हमने चर्चा की थी कि जब हम जप करते हैं तो ये एक सेवा है भगवान श्री कृष्ण की। ये हमारे लिए हम जप नहीं कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जप कर रहे हैं। तो भगवान से प्रार्थना करते हुए कि भगवान, ये मैं आपका गुणगान करने जा रहा हूँ, आपका कीर्तन करने जा रहा हूँ, तो कृपया मुझे शक्ति प्रदान कीजिए और मैं आपकी सेवा अच्छे से कर पाऊँ। कोई भी सेवा जब हम आरंभ करते हैं, चाहे वो भोग बनाना हो या कोई प्रचार कार्य हो, तो उसमें हमेशा हम भगवान से पहले प्रार्थना करते हैं कि मैं आपकी ये सेवा आरंभ करने जा रहा हूँ, तो मुझे ये शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं आपकी ये सेवा अच्छे से कर पाऊँ, क्योंकि ये भी नाम सेवा है। इसलिए जब हम जब आरंभ करते हैं तो पहले भगवान से प्रार्थना होनी चाहिए कि भगवान, मैं ये आरंभ करने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा ये कार्य है और इससे आपकी सेवा अच्छे से हो पाए, तो ऐसी शक्ति बुद्धि मुझे दीजिए कि मेरा मन वो जप में लगे। फिर दूसरा जो श्लोक है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, वो चीज को इंगित करता है। तो ये अनर्थ निवृत्ति उस चीज को इंगित करता है। तो ये सारा जो वर्णन है ये भक्ति रसामृत सिंधु में आता है, और आप ध्यान से पढ़ेंगे और भी अलग अलग जगह में, शिल प्रोपाद श्रीमद भागवतम के छठे स्कंद में, षष्टम स्कंद में हरि नाम जप के ऊपर, नाम के ऊपर वर्णन कर रहे हैं, और कुछ कुछ अलग अलग आचार्य उसके ऊपर टीकाएं भी करते हैं। तो जब हम जप करते हैं तो उससे क्या प्रभाव क्या दिखता है, तो उसका प्रभाव ये होता है कि अनर्थ निवृत्ति होती है हमारे हृदय की। एक तो हमने जप किया और आपके अंदर श्रद्धा थी तब आपने जप करना आरंभ किया, और श्रद्धा के साथ आपने जब जप किया तो जप के बाद क्या होगा, आपके अंदर जो अनर्थ है वो नष्ट होंगे, अनर्थ निवृत्ति होगी। तो ऐसे आप खुद देखिए कि जब पहले जब हम जप नहीं करते थे, ये केवल मंदिर में आते थे और बस प्रवचन सुनते थे, कोई माला वगैरह कुछ नहीं करते थे, तो क्या हमारे अंदर जो दोष थे वो अभी भी है? तो कुछ ना कुछ मात्रा में आपके दोष अनर्थ निवृत्ति कम हुई होगी, तो उसका कारण है क्योंकि आप जप कर रहे हैं, तो ये उसका परिणाम है, ये हम देख सकते हैं अपने जीवन में। और उसके बाद जब अनर्थ निवृत्ति होती है तो फिर चैतन्य महाप्रभु तीसरा श्लोक बताते हैं, त्रिनादपि सुनिचेन। तो ये त्रिनादपि सुनिचेन इस चीज को इंगित करता है हमारी निष्ठा को। तो जब अनर्थ निवृत्ति होने लगती है तो फिर हमारा
निष्ठा हो जाता है हरि नाम के प्रति, कि फिक्स्ड अप हो जाते हैं उसमें कि नाम जप करना है। तो अभी हम श्रद्धा के साथ नाम जप तो कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारी जो स्थिति है, जिस कंडीशन में हम हैं, वो अभी अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे हैं। अभी हम धीरे धीरे अपने दोषों को खत्म कर रहे हैं, अभी निष्ठा तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो चेतो दर्पण मार्जनम हो रहा है हरि नाम से, लेकिन ये निष्ठा तक, भगवान के नाम में निष्ठा अभी नहीं आई है, निष्ठा के साथ हम जप नहीं कर रहे हैं। तो और जब निष्ठा होती है तो क्या होता है कि हम फिक्स्ड हो जाते हैं, अपना जो भक्तिमय जीवन है या भक्तिमय कार्य उसमें फिक्स्ड स्थिर हो जाते हैं और भगवान के नाम में निष्ठा आने लगती है। तो ये हम अपने व्यावहारिक जीवन में देख सकते हैं कैसे निष्ठा पे नहीं है। तो इसके कुछ उदाहरण अगर हम देखें तो प्रभुपाद बताते, निष्ठा यानी स्टेडीनेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत में स्थिरता, यानी कृष्ण भावनामृत के अंदर जो अलग अलग गतिविधियां हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम है या 16 माला का जप है, अध्ययन है, इसमें स्थिरता लाना। तो ये हम देख सकते हैं कि जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी संघर्षमय परिस्थिति उत्पन्न होती है तो हम विचलित हो जाते हैं और उसमें स्थिर नहीं रह पाते। जैसे थोड़ी ठंड हो गई तो मंगला आरती में नहीं पहुंच पाते हैं, या सेवा ज्यादा हो गई तो हम जप को पेंडिंग करते हैं, जप छूट जाते हैं, फिर उसको दो दो तीन तीन दिन तक कंप्लीट करते हैं, या फिर कभी कभी हमारा स्वाध्याय नहीं हो पाता है, अध्ययन छूट जाता है। तो ये प्रमाण है कि अभी हम कृष्ण भावनामृत की जो गतिविधियां हैं उसमें स्थिर नहीं हुए, और वो हमारी निष्ठा जो है उस कमी को दर्शाता है। तो ये प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं। तो अभी निष्ठा में आने के लिए हम क्या क्या व्यावहारिक चीजें अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, या क्या हमें करना चाहिए जिससे हम निष्ठा के स्तर पर पहुंचे, ये हमें प्रश्न होना चाहिए कि ऐसा क्या कार्य करें जिससे हम निष्ठा तक पहुंच जाएं। तो निष्ठा तक पहुंचने के लिए आपके जीवन में सबसे पहले रेगुलेशन होना चाहिए, नियमबद्धता होनी चाहिए। जीवन में नियमबद्धता का अर्थ है आपकी जो साधना है उसमें स्थिरता, और साधना में स्थिरता का अर्थ है सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना विथ अटेंशन, एकाग्र से और ध्यानपूर्वक। तो जैसे हम मंगला आरती में उपस्थित है तो हमारा जो ध्यान, हमारा मन, हमारा चित्त केवल भगवान के ऊपर स्थिर होना चाहिए। उस समय हमें गुरु का स्मरण करना है, कृष्ण का स्मरण करना है, ना कि जैसे हम यहाँ आए हैं खड़े हैं और मन इधर उधर है, कुछ विचार नहीं कर रहे, कुछ सोच नहीं रहे, कहीं मन उधर जा रहा है इधर, तो उस मन को खींच के सुबह के समय एकाग्र से ध्यान पूर्वक भगवान के चरणों में गुरु का स्मरण करते हुए वहां से हमारी दिन की शुरुआत होती है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बोले कि मॉर्निंग प्रोग्राम में सबसे जरूरी है मंगला आरती में उपस्थित होना। क्यों? क्योंकि हमारी दिन की शुरुआत होती है गुरु का स्मरण करने से। अगर हम गुरु का स्मरण करेंगे तो हमारा पूरा जो दिन है वो गुरु की शक्ति, गुरु की कृपा से हम जो भी कार्य करेंगे तो उनकी कृपा से वो सफल होगा। तो यहाँ पे भक्तिमय कार्य की बात करें तो इसमें पहले स्थिरता लाना है। तो चाहे कितना भी ठंड हो, कुछ भी हो, या प्रयास करना चाहिए कि समय पे हम उपस्थित हो, उसमें नियमबद्धता हो कि इतने बजे आरती है तो इतने समय पे वहां पे पहुंचना है। और फिर दूसरा, हम जप करते हैं 16 माला जप करते हैं, तो 16 माला जप भी प्रतिदिन विदाउट फेल उसको कंप्लीट करना है 16 माला को। ये ऐसा नहीं है कि कभी कर लिया तो हो गया, अभी आज ठीक है, थक गए हैं, सेवा ज्यादा थी, आज पुस्तक वितरण ज्यादा कर लिया तो अभी 16 माला कल करेंगे, ऐसा कभी कभी विचार आता है हमारे मन में। तो हालांकि इस विचार को हमें समझना चाहिए कि ये विचार क्यों आ रहा है मेरे मन में, ऐसा कहीं ये विचार मुझे भक्ति से दूर तो नहीं ले जा रहा है, साधना से दूर तो नहीं ले जा रहा है। तो ये आगे हम चर्चा करेंगे कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, उसके भी अलग अलग कारण है। तो हमें इस पे एक श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, तत्तेनु कंपान सुसमीक्षमाणः। तो ये जो श्लोक के अंदर जो शब्द है समीक्षः, तो समीक्षक अर्थ अलग अलग आचार्य लोग बताते, समीक्षक अर्थात एनालाइजर, चीज को एनालाइज करना, हर एक परिस्थिति को देखना कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा विचार मेरे अंदर क्यों आ रहा है। तो एक तो होता है परीक्षक, चेक करता है जो परीक्षक होता है, और एक होता है समीक्षक। तो समीक्षक का अर्थ है एनालाइज करना चीजों को।
तो ऐसे भी बस विचार आ गया और हमने छोड़ दिया, नहीं, उसको एनालाइज करना है, अपने आप को देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों सही से जप नहीं कर पा रहा हूँ, या ऐसा विचार मेरे मन में क्यों प्रकट हो रहा है, क्या ये सही है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ठीक है माला हो गई तो ठीक है, नहीं नहीं हुई तो कल करेंगे, ये क्या सही विचार है, तो उसको एनालाइज करना। ज्यादातर परिस्थिति में हम चीजों को एनालाइज नहीं करते, हम तुरंत बस विचार आया और उसको कर लिया, तो ये हर हर सिचुएशन में ऐसा होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको किसी ने बोल दिया, किसी ने डांटा, तो उसको भी एनालाइज करना चाहिए, या किसी ने आपको कुछ बुरा व्यवहार किया आपके साथ, फिर भी उसको एनालाइज करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, उसको ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली, भगवान ने उसको ऐसा क्यों कहा होगा जिससे उसने मुझे ऐसा बोला। तो ये सब जब हम एनालाइज करेंगे तो फिर क्या होगा कि आप सिचुएशन, ऐसी जो परिस्थितियां उत्पन्न होगी उससे आप विचलित नहीं होंगे। लेकिन समस्या है कि हम उस सिचुएशन को, परिस्थितियों को एनालाइज करने का प्रयास नहीं करते। तो इसीलिए हमारी जो जितनी भी साधना की अलग अलग गतिविधियां हैं, उस गतिविधि में श्रील प्रभुपाद ने जोर दिया कि सबसे महत्वपूर्ण है 16 माला का जप करना। बहुत सारे भक्तों को, मतलब मैंने देखा है पर्सनली, कि जिनकी दीक्षा भी हो जाती है उसके बाद भी वो लोग 16 माला नहीं कर पाते, और ये सबसे बड़ा अपराध है गुरु के प्रति, क्योंकि हमने गुरु को वचन दिया है कि मैं प्रतिदिन 16 माला का जप करूंगा और 4 नियम का पालन करूंगा, तो ये वचन को आप तोड़ रहे हैं, तो उससे गुरु के प्रति आप अपराध कर रहे हैं। तो इसीलिए कैसी भी परिस्थिति हो, तो हम अपने जीवन में ये एक सूत्र अपनाना है कि कैसी भी संकटमय परिस्थिति हो, लेकिन जप नहीं छोड़ना है, 16 माला करना है तो करना है। फिर कुछ भक्तों का ऐसा भी होता है कि इतना सारा संघर्षमय परिस्थिति है, हम भक्ति भी करते हैं और फिर परिवार का भरण पोषण भी है, और कई बार तो ब्रह्मचारियों को भी ऐसा विचार आता है कि इतनी सारी सेवाएं, तो प्रभुपाद ने इसको अगर कम कर दिया होता तो और अच्छा रहता, 16 माला ही क्यों बोला, थोड़ा और 8 माला होता तो और अच्छा रहता। लेकिन अगर प्रभुपाद 8 माला बोल देते तो फिर कुछ भक्त बोलते 4 होता तो और अच्छा रहता, इसीलिए प्रभुपाद ने बोला कि 16 माला जप करना है। इवन ब्रह्मचारी भी कई बार माला नहीं करते, छोड़ देते हैं माला, मतलब मैंने देखा इसलिए मैं बता रहा हूं। तो ऐसा अधिकतर होता है भक्तों के साथ, और ये कोई छोटी चीज नहीं है, हम इसको छोटी चीज समझ के इसको छोड़ देते हैं कि ठीक है कल कर लेंगे, लेकिन आज आपने गुरु का वो वचन तोड़ा, वो नियम तोड़ा, उसका अपराध कहाँ गया, कल आप कर लेंगे ठीक है, वो कल 32 माला कर लीजिए। तो ये करने से धीरे धीरे इससे हमारी निष्ठा बढ़ेगी, हम स्थिर होंगे जब हमारे जीवन में साधना में नियमबद्धता होगी तब। और फिर स्वाध्याय, स्वाध्याय करना, रीडिंग। तो सामान्यतः हम ऐसा सोचते हैं कि गुरु को हमने वचन दिया था 16 माला जप करना, 4 नियम का पालन, स्वाध्याय की तो बात ही नहीं हुई थी, दीक्षा के समय कहाँ महाराज ने पूछा था कि रीडिंग करना है कि नहीं, तो इसलिए उसको ज्यादा महत्वपूर्ण हम नहीं समझते, लेकिन ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 16 माला महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये महत्वपूर्ण है और ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसको तुलना नहीं करना चाहिए। ये जो भक्तिमय गतिविधियां हैं, साधना के अंदर जितने भी कार्य हैं, चाहे वो स्वाध्याय हो, मंगला आरती हो, 16 माला का जप हो या सेवा हो, वो सभी एक समान स्तर पे है, कोई छोटा बड़ा नहीं। जितना महत्वपूर्ण 16 माला है उतना ही महत्वपूर्ण स्वाध्याय है, पुस्तक का अध्ययन करना। इसीलिए श्रील प्रभुपाद शिष्यों को बार बार बोलते थे कि आप पुस्तक वितरण कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन पहले आप बुक्स पढ़िए, जो भी भक्त लोग प्रचार कर रहे हैं पहले आप पुस्तकों का अध्ययन कीजिए। तो उसमें हमें निष्ठा लानी है, उसमें रेगुलेशन, नियमबद्धता होनी चाहिए कि रोज मुझे इतना पढ़ना है तो पढ़ना है। तो हम देखते हैं कि भक्तिमय कार्य में जो चीजें सरल होती है वो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जैसे कि प्रसाद है, तो अभी प्रसाद में तो ज्यादा कोई संघर्ष नहीं है, तो प्लेट में लगाए तो खाएंगे उसको आसानी से, लेकिन स्वाध्याय नहीं करते हैं उसको इतना महत्वपूर्ण नहीं सोचते, लेकिन प्रसाद है अभी भूख लगी है, फिर ऐसे रीजन आते हैं कि प्रभु जी ये तो जरूरी है, नहीं तो शरीर कमजोर हो जाएगा, भगवान की सेवा कैसे करेंगे, तो प्रसाद तो आवश्यक है, तो ऐसे विचार आते हैं। तो फिर विचार वहां पे स्वाध्याय में क्यों नहीं आते हैं, 16 माला में क्यों नहीं आते हैं कि प्रभु माला नहीं करेंगे तो हम भक्ति में कमजोर हो जाएंगे, भक्ति में हमारी प्रगति नहीं होगी, या स्वाध्याय नहीं करेंगे तो हमारी मति कृष्ण में नहीं लगेगी, हमारी चेतना कृष्णमय चेतना नहीं हो पाएगी, ऐसे विचार उस समय क्यों नहीं आते। तो
तो कहीं ना कहीं ये चीज हमारी दर्शाती है कि हम अपनी इंद्रियों को जो तुष्ट लगता है, तो भक्ति में भी ऐसी चीजों को देखते हैं जो हमारी इंद्रियों को अच्छा लगे। 16 माला करना किसको अच्छा लगता है? इसीलिए बहुत सारे लोगों को आप देखिए बाहर जाके बोलिए कि आप माला पे जप कीजिए, नहीं, हम मन में करते हैं। माला पे जप नहीं करेंगे, हम मन में भगवान का स्मरण करते हैं, क्योंकि 16 माला करने में मन को लगाना वो सबसे बड़ा कठिन काम है। इसीलिए प्रभुपाद ने बोला कि चैंट 16 राउंड, मतलब संख्या पूर्वक जप करना है। और अब देखिए जैसे ही हम जप शुरू करते हैं तुरंत अलग अलग विचार प्रकट होने लगते हैं मन में, जैसे ही जप आरंभ करते हैं। और ये कोई ऐसा मतलब नया चीज नहीं है, तो सबके साथ होता है, तो विचार आना स्वाभाविक है। लेकिन उस विचारों को हमें इंजॉय नहीं करना है कि हाँ हम जप कर रहे हैं और विचार आया कि आज तो घर जाके मुझे मटर पनीर की सब्जी बनाना है, और हम उसमें लग गए, अच्छा तो घर में टमाटर है कि नहीं, पनीर खरीदना है, तो ये विचार को हम इंजॉय नहीं कर रहे हैं। वो विचार आया बस उसको छोड़ दो, और आपका जो मन है उसको कृष्ण नाम में लगाने का प्रयास करो। तो इसीलिए जब हम जप करते हैं तो जप करने में सबसे बड़ी कठिनाई होती है मन को लगाना, तो मन को लगाना सबसे मुश्किल काम है। और लोग मन में चिंतन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हो, तो ऐसा है कभी कर लिया तो कर लिया, कुछ दूसरा विचार आ गया तो ठीक है, लेकिन नाम जप करने में तो हमें दिख रहा है ना, मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूं, मन को मुझे यहां लगाना है, नाम को श्रवण करना है, उसको सुनना है, तो ये हमारी निष्ठा को दर्शाता है। तो ये सारी चीजें करने से धीरे धीरे हम निष्ठा के स्तर पर पहुंचेंगे, मतलब कि कृष्ण भावनामृत में जो अलग अलग गतिविधियां हैं, जो अलग अलग साधना के कार्य हैं, उसमें आप स्थिर हो जाएंगे जब ये सारी चीजें पालन करेंगे। तो और फिर निष्ठा से क्या होगा कि अभी आप निष्ठा के स्तर पे आ गए, आपने नाम जप किया और आप फिक्स हो गए, कि आपने आप एनालाइज कीजिए कि पूरे साल में या पूरे महीने में मैंने कितनी बार जप छोड़ा, उसको एनालाइज कीजिए कि कितनी बार ऐसा हुआ कि मैंने प्रॉपरली 16 माला या 16 माला अच्छे से नहीं किया, या कुछ माला मैंने छोड़ दी, उसको देखिए पूरे महीने में। और फिर जितना आपने माला छोड़ा उतना रिएक्शन वो गुरु को गया, यानी कि उतना आपका भक्ति में अपराध आपने किया, तो उतना और आप डाउन जाएंगे भक्ति में, नीचे जाएंगे। इसलिए उसको एनालाइज कीजिए कि 1 महीने में मैंने 30 दिन थे, तो 30 दिन के अंदर मेरी 16 माला कंप्लीट है। फिर पूरे साल का निकालिए कि पूरे साल में मैंने कितने दिन जप छोड़े, उसको एनालाइज कीजिए। तो हमारा बुद्धि इसमें चलना चाहिए, मैथमेटिक्स इसमें दौड़ाना है कि मैंने इतने समय में ये जप किया था, और इतने महीने में मैंने इतना जप छोड़ा, 1 वीक के अंदर मैंने 16 माला कंप्लीट कर दी थी। तो ऐसे क्या होगा कि जब आप चीजों को एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करने से आपको आपकी गलती समझ में आएगी, आप अपनी गलतियों को पकड़ पाएंगे। अधिकतर कुछ चीजें ऐसी होती है हमारे अंदर की जो हमें मालूम नहीं चलता है, लेकिन वो मिस्टेक होती रहती है, और होती रहती होती रहती है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है कि वो गलती हो रही है। कुछ गलतियां ऐसी होती है कि वो दिखती है और भक्त लोग आपको देख के तुरंत टोक देंगे कि आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन कुछ गलती जो है वो दिखती नहीं है। अभी 16 माला कौन देखने जाता है, घर में वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, स्वाध्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो भक्त लोग देखने तो नहीं जाएंगे, वो आपको खुद को देखना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि जब आप देखेंगे तो धीरे 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 क्या होगा, आप परिपक्व बनेंगे भक्ति में। परिपक्व कैसे बनेंगे? तो परिपक्व ऐसे बनेंगे कि जब आपके अंदर ऐसा कुछ भी गलत विचार आएगा, तुरंत आप उसको पकड़ लेंगे कि ये गलत विचार है। तो इसीलिए धीरे धीरे अपने आप को एनालाइज करना चाहिए कि मैं कहाँ त्रुटि कर रहा हूं, उसको समझने का प्रयास करना है और तुरंत उसको सुधारना है। तो जब आप मंदिर में रहेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, और भक्तों के संग में मान लीजिए आप कुछ साधना में या भक्ति में कुछ त्रुटि कर रहे हैं, तो आपको करेक्ट करेंगे कि प्रभु आप जब अच्छे से कीजिए, कि माता जी आप जब सुधारिए, आप सो रहे हैं जब में, आप उठिए और अच्छे से उच्चारण कीजिए। लेकिन जब हम अकेले हैं तो उस समय क्या होगा, उस समय हमको खुद को देखना है अपने आप को। और माया जो है वो हमेशा अवसर देखती है कि ये भक्त अभी अकेला है, तुरंत प्रवेश करने का प्रयास करती है हमारे अंदर। ऐसा होगा कि ज्यादातर जब हम अकेले रहते हैं और अकेले भक्ति साधना करते हैं, तो उस समय ज्यादा अवसर मिलते हैं माया को प्रवेश करने के। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी भक्त लोग जब करते समय, हो सकता है टीवी देखते हो या न्यूज़, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन विचारों के द्वारा वो प्रकट हो सकती है। जैसे जैसे हम भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं,
और भक्ति में जब हम प्रगत होने लगते हैं तो माया के भी अलग अलग प्रकार के लेवल बढ़ते हैं। जब जो नया भक्त होता है तो नया भक्त तो क्या माया ऐसे ही विचलित कर देती है, जाओ थोड़ा बाहर का खा लो, अभी नई मूवी अभी उसको देख लो, ठीक है संडे प्रोग्राम में जाएंगे अभी मूवी देख लेना, तो नए भक्तों के लिए। लेकिन जब हम भक्ति में प्रगत होने लगते हैं तो हमारे अंदर अलग अलग विचार आते हैं, माया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। एक बार मुझे सव्यसाची को बता रहे थे कि जब वो प्रचार कर रहे थे तो प्रचार करते करते उनके अंदर ऐसा विचार संशय आया कि कृष्ण भगवान नहीं है, काफी डाउट उनको 1 साल तक ऐसा डाउट रहा कि कृष्ण भगवान नहीं है। और फौजी मुझे बोले कि मुझे प्रचार करने में बहुत प्रॉब्लम होता था क्योंकि मैं खुद कन्विंस नहीं हूं कृष्ण भगवान नहीं, तो मैं दूसरों को कैसे प्रचार करूं। तो ऐसे आपके अंदर और भी अलग अलग विचार आ सकते हैं, मतलब ये एक उदाहरण है। तो फिर प्रभु जी ने गुरु महाराज से पूछा कि गुरु महाराज ऐसा मेरे साथ हो रहा है तो मैं क्या करूं। गुरु महाराज ने बोला फिर से कृष्ण पुस्तक पढ़ो। और कृष्ण पुस्तक जब प्रभु जी ने पढ़ा तो प्रभु जी को फिर से रियलाइज हो गया कि हाँ कृष्ण भगवान है। तो ऐसे मतलब अभी प्रभु जी तो बहुत प्रगत भक्त हैं लेकिन फिर भी वो विचार माया ने कैसे प्रवेश कर दिया अंदर कि कृष्ण भगवान नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसे ही हमारे स्तर पे माया हमारे स्तर के अनुसार परीक्षा लेगी, तो उस चीज को समझने का प्रयास करना चाहिए। वो कैसे समझ में आएगा, जब आप खुद उसको एनालाइज करेंगे तो उसके लिए हमें स्वाध्याय करना होगा। स्वाध्याय करेंगे और प्रभुपाद या गुरु महाराज के लेक्चर जब सुनेंगे उससे ये चीजें पकड़ में आती है, नहीं तो आप पकड़ ही नहीं पाएंगे उसको। हमेशा वो त्रुटि होती रहेगी, गलती होती रहेगी और कभी आपको पता नहीं चलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमें मिलती है तब जब हम अंदर से जो है तो भगवान देखते हैं कि व्यक्ति अंदर से क्या है, क्योंकि आपके हृदय में और आपके मन में क्या है वो आपको ही पता है। आप भले यहाँ पे कितना भी हम भक्ति में दिखावा कर सकते हैं कि हम 16 माला करें, 32 माला करें, स्वाध्याय करें, उससे भगवान कृपा नहीं देते, वो मापदंड नहीं है। आप हृदय से कितना शुद्ध हैं, कितना पवित्र हैं और आपके हृदय में क्या आप सोच रहे हैं, आपकी चेष्टाएं क्या है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो सब देखते हुए भगवान कृपा देते हैं उस व्यक्ति पे। 16 माला तो हम अगर किसी को बोलेंगे कि इधर आओ मैं तुमको 5,000 रुपये दूंगा, यहाँ बैठ के 16 माला करो, वो करके चला जाएगा, पैसे लेके चला जाएगा। तो ऐसे तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है लेकिन हमारी चेष्टाएं क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति करने के पीछे, माला करने के पीछे, साधना सेवा करने के पीछे हमारा उद्देश्य चेष्टा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो होता है इच्छा, वो अलग चीज है, लेकिन चेष्टा इंटेंशन, भक्ति करने के पीछे उद्देश्य या माला करने के पीछे उद्देश्य, क्यों मैं भक्ति कर रहा हूँ, साधना क्यों कर रहा हूँ, तो उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। तो उद्देश्य हमारा एक ही है, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है। तो प्रेम प्राप्त करने के लिए जो जरूरी है वो मुझे पालन करना है। तो फिर उसके लिए बताया गया आनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम, ये सारा जप के अंतर्गत आता है। तो आनुकूल्य से संकल्प, आनुकूल्य से संकल्प बताते हैं श्रील प्रभुपाद उपदेशामृत में, उत्साह निश्चय धैर्य तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, कि उत्साह होना चाहिए जप करने में और निश्चय के साथ कि हाँ ये प्रोसेस सही है, धैर्य रखना है, तुरंत रिजल्ट परिणाम नहीं मिलेगा। आप भगवान का जप करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप अच्छे से 1 साल 2 साल तक जप किया और तुरंत प्रेम प्राप्त हो गया, नहीं ऐसा नहीं होगा, समय लगेगा, धैर्य रखना है। और श्रील प्रभुपाद जब विदेश से वापिस आ रहे थे भारत में, तो प्रभुपाद ने आखिरी में अपने शिष्यों को केवल ये 3 चीज बोला था कि हमेशा उत्साह रखो कोई भी कार्य करने के लिए। जब हमारे अंदर उत्साह नहीं होगा तो फिर हमें सभी कार्य बोझ लगने लगेगा, 16 माला में बोझ लगेगी, और जो भी सेवा करेंगे वो एक बोझ के रूप में हम करेंगे, उसमें प्रेम नहीं होगा भगवान के लिए, या नाम जप करेंगे कृष्ण का नाम लेंगे उसमें प्रेम नहीं होगा, बर्डन लगेगा। इसलिए अधिकतर हम ऐसा देखते हैं कि 16 माला होता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, आज तो मेरी माला कंप्लीट हो गई, सुबह ही 10 किलो का भार कम हो गया, तो ऐसा बोझ लगने लगता है। लेकिन अगर हमारी 16 माला कंप्लीट हो गई, समय है, तो और अधिक करने का प्रयास करना चाहिए और अधिक नाम, जबकि आज समय है, आज तो मैं और अधिक माला करूंगा, लेकिन सुबह जैसे 16 माला हो गई वो खिल पे लटका दी, अब दूसरे दिन सुबह वहां से उठाएंगे तो कोने में वो दिन भर तो गुड बाय कर दिया उसको, हरे कृष्ण हो गया आज आपका काम समाप्त। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें धीरे धीरे उसमें हरि नाम में निष्ठा उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए।
तो उत्साह निश्चय और धैर्य तो ये आनुकूल्य से संकल्प है, ये हमें पालन करना है अपने जीवन में। और प्रतिकूल्य से वर्जनम, उसका भी प्रभुपाद उपदेशामृत में बताते हैं कि अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह, इससे बचना है हमें, अपने आप को बचाना है कि अत्याहार और फिर अधिक मतलब भोजन करना और अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए भोजन करना, ऐसा नहीं है। जितना जरूरी है कृष्ण प्रसाद उतना लेना, और तो उससे क्या होगा, आपका हेल्थ स्वास्थ्य ठीक होगा, और जब स्वास्थ्य ठीक होगा तो आप अच्छे से सेवा कर पाएंगे, और जब सेवा करेंगे तो फिर आप भगवान का नाम कीर्तन ये सब साधना अच्छे से कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं। प्रजल्प से बचना है, प्रजल्प नहीं करना है, ऐसी चर्चा जो कि कृष्ण से संबंधित नहीं है, जिसका कृष्ण से या नाम जप से साधना से कोई संबंध नहीं है, तो ऐसी चर्चाएं प्रजल्प उससे बचना है अपने आप को। तो ये प्रातिकूल्य से वर्जनम है, ये प्रभुपाद बताते हैं उसमें, उपदेश अमृत में आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसे करने से फिर क्या होगा, धीरे 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 जब आप निष्ठा के स्तर पे आएंगे, भगवान के नाम के प्रति निष्ठा होगी, तो फिर धीरे धीरे भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न होगी, रुचि जग जाएगी भगवान के प्रति, क्योंकि आप स्थिर हो गए ना अभी। मतलब कोई कितनी भी परिस्थिति हो, विचलित हो, कितने भी संघर्षमय परिस्थिति में, लेकिन आप स्थिर हैं। इतने समय से आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो नाम जप करते 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 आप परफेक्ट हो गए, अभी आपको उसमें रुचि उत्पन्न हो गई कृष्ण नाम में। तो ये उसका परिणाम होगा जब हम निष्ठा यानी ये सब चीजों का पालन करते हैं अपने जीवन में। तो और रुचि से फिर धीरे धीरे हमें भगवान की सेवा में, और भगवान का कीर्तन, भगवान का श्रवण, भगवान की जो अलग अलग क्वालिटीज गुण हैं वो सुनना अच्छा लगेगा। अभी हमको अच्छा नहीं लगता है सुनना, ज़्यादा देर तक सुनना अच्छा नहीं लगता है हमें, मतलब हमारे अनुसार जो अच्छा हो वो सुनना अच्छा लगता है कि मेरे लिए ये अच्छा है तो मैं ये सुनूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दिखाता है कि अभी हमारी रुचि भगवान में नहीं है, क्योंकि जो भी चर्चा कृष्ण के लिए हो रही है या कृष्ण चर्चा है वो सब भगवान की चर्चा है, तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा इसलिए मैं नहीं सुनूंगा इसको। तो ये सारी चर्चाएं भगवान की चर्चा है, चाहे वो तत्व चर्चा है या भगवान की लीला कथा है तो वो कृष्ण की चर्चा, तो फिर धीरे धीरे उसमें हमारी रुचि उत्पन्न होगी। तो ऐसे हम उसको धीरे धीरे कर सकते हैं अपने व्यावहारिक युग में। ये सारी चीजें जो है हमने व्यावहारिक चर्चाएं की, या आप अपने जीवन में खुद इसको देख सकते हैं और उसको सुधारने का प्रयास कर सकते हैं, और स्थिरता लाने का प्रयास करना है अपने जीवन में, चाहे वो सोलह माला हो, मंगला आरती हो, स्वाध्याय हो, या जो भी आपको सेवा दी गई है उस सेवा को जिम्मेदारी पूर्वक स्थिरता से करना। शनि आज किया, अगले संडे आए नहीं आए, मान लीजिए वो माता जी का कोई सेवा है वो तो आई नहीं, ठीक है कब दूसरा कोई माता जी कर लेंगे, वो प्रभु जी का पुजारी ठीक है वो दूसरा कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी ये जिम्मेदारी है उसमें स्थिरता से, क्योंकि भगवान हमारी हमारे प्रयास को देखते हैं। वास्तव में हम कितना भगवान के प्रति आसक्त होना चाहते हैं और कितना भगवान के प्रति आगे बढ़ना चाहते हैं, भगवान वो प्रयास को देखते हैं। अगर हम अंदर से उत्साह नहीं है, या हम अंदर से एक्चुअली, ये सब हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या क्या होता है नाम अपराध से, तो उसमें अलग अलग चीजें हैं, तो कल हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसलिए स्थिरता लाइए, चाहे वो सेवा हो, साधना हो, कोई भी कार्य हो, उसमें स्थिरता होनी चाहिए। जब स्थिरता होगी तो फिर धीरे धीरे आप उसमें फिक्स हो जाएंगे। हरे कृष्ण, बाकी की चीजें हम फिर कल चर्चा करेंगे, समय अभी हो गया। अगर कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है। सोते समय हमें गुरु का स्मरण करना चाहिए और भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं आज ये जो दिन था मेरा काफ़ी अच्छा गया आपकी सेवा से, और मुझे आप कल शक्ति प्रदान कीजिए। अभी मुझे ये शरीर, क्योंकि मैं बद्ध हूँ,